तो गाइस आज क्या है संडे, तो एक और क्रिकेट 22 करियर मोड का एपिसोड। और यहाँ पे मैंने शुरू किया जस्ट एक फटीग मैनेजमेंट में, कुछ मैंने 4 दिन वाला है जो वो किया था। तो स्पॉन्सरशिप ऑफर लिख क्या रहा है इसमें, अब देखते हैं क्या मिला भाई अपने को। प्राइमेड और कोर अपने इक्विपमेंट स्पॉन्सर हैं दोनों। हाँ ओके, दोनों में ये लिखा है, ये क्या है? अच्छा, इसमें मुझे कोई एक डील लेनी है तो अभी मैं क्या लूँगा पढ़ लेते हैं। बूस्ट एपी अर्न थ्रू गेम प्ले। और अच्छा ओके, ये वो कर रहा अपने अभी प्राइमेड की जगह कोर हो जाएगा, जो अपने पास है प्राइमेड है अपने पास, अभी कोर हो जाएगा। जेनिथ की जगह वोबो, और इसमें है पारमार्क की जगह अपना मल्टी मेट्रिक। ये तो कहाँ दिखता है मुझे पता ही नहीं है। ये जिम वाला अपन करते नहीं, नेट्स प्रैक्टिस ज़्यादा ठीक है, गेम प्ले वाला ही सही है, तो ये कोर ले लेते भाई। ठीक है, नेक्स्ट मैच इन 6 डेज है ना भाई, 6 डेज। हाँ ओके, चलो थोड़ा सा जिम करते हैं फटाक से, कुछ तो करेंगे यार आज, क्या करें आज। मैं सोच रहा था वेट ट्रेनिंग बेंच कर लेते हैं और हार्ड पे करके देखते हैं आज क्या होता है। चलो लेट्स गो, देखते हैं जी जी, लेट्स गो भाई। हार्ड पे पहली बार जिम। अबे 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 अबे, हक दिया हक दिया हक दिया, करके देखते क्या होता, क्योंकि 10 दिन बाद था ना मैच, तो मैंने बोला कुछ ना कुछ तो अभी एक्टिविटी करते रहेंगे। और मुझे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए योगा करना था यार वैसे, क्योंकि अपने बैटिंग में लंबी इनिंग्स ना खेल पाए। और आज सिडनी पे मैच है भाई, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स ब्लूज, जिसमें आई गेस स्मिथ भी है यार, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स वही टीम में खेलते हैं, मैंने ऐसा सुना है। ओ भाई 10 कर लिए, सिल्वर मेडल हार्ड डिफिकल्टी पे मैक्सिमम है जो जिम में। ओ भाई बहुत सही, फिर से दिखा रहा है। मैं एक और चीज़ आज हार्ड पिट करना चाहूँगा यार, फिर वेट ट्रेनिंग ये वाला डंबल हार्ड, लेट्स गो। इसमें ऐसा था ना, ओके एक साइड स्पैम करना है फिर दूसरा, और 50 सेकेंड हार्ड पे, वाह या उसमें ही 50 थे, देखते कितने कर पाते अपन। अरे यार कंसंट्रेशन वाला मैंने देखा ही नहीं, चलो सही है कोई दिक्कत नहीं है। और यार थोड़ा मुझे सजेशन चाहिए थे यार, ये डोमेस्टिक मैचेस का क्या करें, तुम लोग बहुत लोग बोल रहे हैं यार सेम लग रहा है, अभी बोर हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो तुम ये वो, अभी तो काउंटी भी खेलना है भाई। कोई बोल रहा है स्किप कर दो, कोई बोल रहा है नहीं हमको प्रोग्रेसिव करियर मोड चाहिए, मेरे को भी प्रोग्रेसिव ही पसंद है। बट अगर तुम लोग को नहीं चाहिए तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं खुद खेल लूँगा लेकिन वीडियो ना बनाऊँ उसकी, तो इसका ज़रा थोड़ा सा सजेशन दे दो यार, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला कि कंप्लीट बताइए इसको ख़त्म करो जो तुम्हारा चल रहा है ये डोमेस्टिक मैचेस, इंटरनेशनल पे आओ सीधा जब तक सिलेक्शन नहीं होता इंटरनेशनल और इधर आईपीएल। भाई 10 रैप्स हो चुके हैं, अरे यार मैं थोड़ा जल्दी कर गया, ये भी इधर जल्दी करना था। चलो ठीक है 11 रैप्स और सिल्वर भाई इसमें भी बहुत सही भाई, अपना डिलीवरी अच्छा, बॉलिंग के लिए था ये। इसमें कॉन्सेंट्रेशन वाला कोई है क्या, इसमें क्या बढ़ता है? ओके जिम में घुस तो सही पहले। हाँ फिजिकल डिफेंस, डिफेंस बढ़ाना है भाई, अटैक डिलीवरी तो हो गया, कंट्रोल हो गया, फील्डिंग और टेक्निकल, मेरे को डिफेंस बढ़ाना भाई, टेस्ट खेलना, रिएक्शन वॉल ये थोड़ा टफ पड़ेगा हार्ड पे, मैंने बोला था थोड़ा बहुत जिम विम करेंगे मज़ा आएगा। ओके 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 ओके, इजी इजी इजी, भाई ये बहुत टफ है यार, कंसंट्रेशन भाई, अबे हो जा भाई, अबे ओके नहीं हुआ था, मैं बटन गलत दबा दिया था मैंने, ये एजिस वाला जो है ना उस पर हो जा रहा है। ओके भाई कितना खतरनाक रिएक्शन चाहिए इसके लिए। ओके जी जी, मेरे ख्याल से मैंने इतना जल्दी इतना अच्छा तो मतलब अभी तक इसका पता नहीं, लेकिन बाकी जो मैंने किए इतने अच्छे, मैंने इससे कम वाली डिफिकल्टीज पे भी निकला, फिर से सिल्वर मेडल भाई। चलो बहुत हो गया, अब चलते हैं मैच के अंदर। न्यू साउथ वेल्स ब्लूज और अपनी लाइनअप मेरे ख्याल से फिर से सेम ही रखूंगा, मुझे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये छोटू और मतलब डार्सी शॉट को खिलाने का भी मन नहीं है, तो डायरेक्ट चलते हैं मैच के अंदर। थोड़ा जिम भी देख लिया बड़े दिनों बाद, वो भी हार्ड डिफिकल्टी पे, लेट्स गेट इनटू द मैच, लेट्स गो भाई। ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं और बहुत बढ़िया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अपना फिंच, यहाँ पे पिच पे मतलब फिंच का होम ग्राउंड है सॉरी, बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कौन है जो भी है हम स्किप करते हैं, मुझे लाइनअप दिखानी तुम लोग को। कुर्ता पेटर से ओके, शॉन एबर्ट, अबे इसमें तो स्मिथ था, मैं सुना भाई एबर्ट है
कमिंस है, नेविल है, भाई इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, खत्म अपना करियर। हार्ट्स इज द कॉल मैन, स्मिथ इसमें ही यार, अब पता नहीं बाकी क्या सीन है। और आप अपना कप्तान मतलब अपना प्लेयर चश्मा पहन के आ गया है, टॉस जीत गया, बैटिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि स्टैंडर्ड हार्ड पिच है, बैटिंग के लिए अच्छी होगी भाई। चलो अपनी बैटिंग आ गई, पता नहीं आई गेस थोड़ा तो जल्दी आएगी, 10 मैच में 1500 रन भाई, नेचुरल माइक का इशू थोड़ा, बट ठीक है। अबे स्पिनर ये क्या फील्ड है भाई, सॉरी 96 पे दो, अच्छा खेले वैसे वो अपने, 26.3 ओवर्स में 26.4 में 96 पे दो, सही है, बढ़िया है। अबे लेग स्पिनर राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा है, अब क्या करूं मैं, करूं क्या, ठीक है। सिक्स्थ बॉल पे खाता खुला है, रिवर्स स्वीप पे चौके के साथ, ये क्या बॉलिंग कर रहा है। मेरे को बैट पैट का डर था तो मैंने बोला रिवर्स स्वीप खेलते हैं, फिर मुझे स्लिप का डर याद आया और गैप में निकल गई, तो मतलब ठीक है बच गए। और भाई कैमरन बैनक्रॉफ 49 पे, व्हाई यू गाइस ट्रोल, व्हाई आई लीव, मतलब बॉल लीव कर रहा हूं, मैच नहीं। एक और लीव भाई, अच्छी बॉल पे रिस्पेक्ट। और ये क्या है मेरे भाई, T20 की फील्ड क्यों लगा बैठे हो, तीन प्लेयर बाहर, व्हाट इज दिस। बैनक्रॉफ स्टिल ऑन 49, अब 99 हो गया, अब सही है भाई, बहुत अच्छे बैनक्रॉफ्ट है। हम ड्राइव करते हैं, गैप में नहीं जाती है, मतलब ब्यूटीफुल ड्राइव है, जीरो रन। देखो बहुत अच्छी बॉलिंग करके फिर एक बॉल ऐसी दोगे तो चौका खाओगे, अरे कुर्सी वाले को लगी नहीं ना, वो पीछे गई भाई। ये क्या है, शॉर्ट बॉल बहुत बढ़िया, मेरा शॉट ऑफ द डे अभी तक का मिल चुका है। तो इसी से याद आया, एज ऑलवेज गाइस 3000 लाइक्स का गोल है, मुझे पता है तुम कर ही दोगे, सो मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ भाई, सॉप शॉट ऑफ द डे, एंड डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है भाई, प्लीज जाके फॉलो कर दे यार, 1K के बहुत करीब है फॉलोअर्स, जल्दी करवा दो न्यू इंस्टा पे, पुराने में 5000 होने वाले थे, गिवअवे भी होने वाला था, लेकिन इंस्टाग्राम भी लाइक चल निकल कुछ ना होगा, कोई नहीं इस पे करो 5000, कुछ और बड़ा गिवअवे करेंगे, बस अभी 1000 ही नहीं हुए वही कर दो, जाके फटाक सेकंड लाइन में लिंक है फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ बोला ना मैं शायद, हाँ ठीक है, और लाइक तो फिर ठीक है 3000 तुम कर दोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। और 300 कमेंट्स का भी गोल रहता है, जो शॉट ऑफ द डे या जो मैच का बेस्ट मोमेंट लगे वो तुम कमेंट कर सकते हो यार, कर दिया करो, मतलब एक एक्यूमुलेट करके, मेरा शॉट ऑफ द डे तो यही था, ओ भाई बॉल ऑफ द डे भी कर सकते हो, विकेट ऑफ द डे, सही है यार वो 49/100 हो गया, सही है भाई कैमरन, वो नाम ले लिया, खत्म आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 300 कमेंट का भी गोल पूरा करने की ट्राई जरूर से करना भाई, एंड यू कैन यूज सुपर थैंक्स फीचर टू सपोर्ट एज वेल, मैं ज़्यादा पुश नहीं करता लेकिन है एक वो फीचर, अगर तुम लोग को लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है। वैसे मेहनत से याद आया, नेक्स्ट वीक से शायद दो करियर मोड एक IFL हो जाएगा शुरू, मोस्टली शायद क्या मतलब मोस्टली 99% भाई शॉन है, बट क्या ही बॉलिंग कर ले आए फाइनली भाई, हमारे सामने वाले बैट्समैन ट्रोल करना बंद करके 50 क्रॉस कर लिए, सही है, ये लीव ऑफ द टिकेट थी भाई, ये शास्त्री जी पूरा टाइम थे, स्ट्रेट ड्राइव और ये चौका जाएगा भाई, इजी मुझे लग रहा है, इजी जाना चाहिए भाई, सचिन बाजी शर्मा जाए इसी स्ट्रेट ड्राइव, ये भी शॉट ऑफ द डे का कंटेंडर तो है। अबे भाई फिर से ये ग्लिच रिटर्न हो गया, और बाय द वे बैट अपने वापस ले आए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्पेशल, अपना खुद का बैट, अब वापस बाहर जाके आना ही पड़ेगा भाई, क्या लहसुन है भाई, क्या ही लहसुन है। यस यस वी आर बैक, और इसने फील्ड चेंज कर दिया, अच्छा है वापस जाके आया फिर तुम्हें, अब मेरे को पीएलने के लिए बनाने के लिए बच के पूरा सिंगल मिलेगा, इजी एज लगती तो अभी सीधा सायोनारा टाटा हो जाता भाई। डॉशस बॉलिंग करने आया है और सिक्स मार दिया, पिकअप शॉट पे 6 रन, और भाई देखो डिफिकल्टी मैंने वही अपनी लगा ली है, अपनी वाली जो है टेस्ट मैच के लिए, ठीक है ये वाली 70-30-150, तो इस पे ही खेलते हैं, मन स्ट्रिंग पे भी तो ये भी लगा ली, ये देखो भाई पिकअप 6, एक और बार खराब बॉल, मतलब सेम टाइप की बॉल, सेम टाइप का शॉट और 2 रन कम, और शॉर्ट बॉल थोड़ी मिस टाइम भाई, चौका निकल गया, बच गए, एक और बार फ्लिक, एक और चौका भाई, ये बॉल को अगर मैं डिफेंस करके बोलूं ओ भाई बहुत टफ बॉल है, तुम भी गाली दो कितना नाटक करता है, तो भाई इसलिए 4 रन मिले कैपिटलाइज करो, विकेट तो कभी भी चली जाती है, चुपचाप सिंगल लेने का मेरे को दिक्कत ही नहीं, मैं इनिंग्स बिल्ड करेगा, अब 150 हो गए भाई, 149 था इसलिए फटाफट सिंगल लिया मैंने। ए! भाई हेलो, डिफिकल्टी तो चेंज नहीं होगी भाई, ये तो ईजिएस्ट पे लगता है ऐसे शॉट है, अपनी तो भाई सब हार्डेस्ट ही है यार भाई, गजब, ये देखो यार भाई मेरे को खुद देखना है कुछ से, भाई नियर टू हार्डेस्ट है बैटिंग, बाकी सब तो मोर देन हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट है, ये कैसे लगा तुम मेरे को ये बताओ, मैंने कहाँ खेला था, तुम एक बार स्लोमो करके देखोगे ना, अभी वो तो वैगन व्हील तो नहीं लेकिन तुम वीडियो में देख सकते हो, और सिक्स का है, सही है, वेरी ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट, ये देखो भाई रिप्ले देखो, ओ बेटे जॉर्ड, मैंने खेला था मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में, आई गेस ये गया किधर, ये देखो भाई
भाई शॉट ऑफ द डिकेड मिल गया भाई मुझे, शॉट ऑफ द डिकेड भाई, बहुत अच्छे ऐसे ही खेलते टेस्ट मैच ये देखो। वाह बहुत सही, बहुत सही ब्रो, बहुत सही ब्रो। हार्दिक पांड्या शर्मा जा भाई, या रसल भाई फिर से आ गया अपना स्ट्राइक रेट बढ़वाने वाला बॉलर, अपने 17 रन थे 31 बॉल में तभी आया था बोलिंग करने, वापस आ चुका है भाई। क्या कैमरा एंगल था, किंग कोहली फ्लिक थी क्या ये? ओह अपन भी 49 पे आ गए भाई, चुपचाप से सिंगल लेने का क्योंकि ट्रोल नहीं करने का। हसरंगा जैसे थोड़े ही बनोगे भाई, की जर्सी नंबर ही रख लो है। भाग गए शॉर्ट कवर के हाथ में रख के भाग गए, इजी सिंगल पंचर्स हो गए अपने भाई। सही है सही, परफॉर्मेंस अच्छी करे, सिलेक्शन हो भाई हैं, मतलब सही है। थोड़ा वापस कोई कमेंट करेगा टेस्ट विद बट T20 स्ट्राइक रेट, जाने दो यार T20 स्ट्राइक रेट नहीं है, ODI स्ट्राइक रेट ठीक है सॉरी। वाह गुड लेंथ बॉल को मैं स्ट्रेट ड्राइव कर रहा था फ्रंट फुट पे हार्ड और स्टैंडर्ड विकेट पे, तो स्लिप में कैच होगा ही ना यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। पहले मैं 50 को 100 में कन्वर्ट करके 150-200-253 अपना हाईएस्ट वही बनाए थे भाई, और आई गेस अपन ने 2-3 डबल सेंचुरी मारी। तुम लोग बताओ आज का ट्रिविया यही है, कितनी डबल सेंचुरी मारी भाई 49 बॉल पे आउट हुआ। सही है तुम भी कर लो यार, आ जाओ भाई मार्च ब्रदर। वह हमारी टीम ने तो 400 बना दी मैंने सुना, नहीं देखना रोहित भाई अपने 10 मैच में 39 विकेट है आज, इनका करियर मतलब अरे यार कर्टिस पैटरसन को आउट करना है अपन को, फील्ड लगाते हैं। चलो भाई फर्स्ट बॉल अपनी क्लासिक फील्ड के साथ, कुर्ता कर्टिस पैटरसन है सामने, फर्स्ट बॉल डालेंगे और विकेट ले रहे हैं अपन, लिख लो मिटा दो नसीबलेस लिख दो। ए भाई अंधे कीपर उल्टा काहे घूम गया भाई, फर्स्ट स्लिप का कहते मुझे पता है लेकिन ही मस्ट हैव ट्राइड यार, एटलीस्ट दो नंबर जान दो यार। बाय द वे हम 36 ओवर में बॉलिंग करना है तो सेमी न्यू बॉलर ठीक है, बट डेरन सेम ही बना दिया चौका मारे भाई, कट करो यार ये नहीं दिखाऊंगा ये बॉल में, ना 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 चौका। अच्छा तुमको देखना हमारी टीम ने कितने बनाए वो देखना है, कुछ डॉट थी वो 399 भाई, सेल में बिक रही थी टी शर्ट भाई 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 भाई। उमरान मलिक पेस भाई 158.5 सही है, अरे भाई साहब फिर से 156 की पेस, और लीव करता है मेरे भाई पट से चौका यहाँ पे कट। अच्छा डे कौन सा चल रहा है तुमको वो देखना है, बहुत अच्छा लीव गया, डे 2 चल रहा है, आधा दिन निकल गया, 3 बज रही है। अरे और बहुत अच्छा कैच भाई कीपर का, एक और भगवान कैच, लास्ट एपिसोड में भी लोगों ने बोला विकेट ऑफ द डे और कैच ऑफ द डे दोनों सेम था, कीपर का भगवान कैच वाली विकेट है ये, देखो ये कैच देखो भाई भाई वॉर्ड कैच दो नंबर के बाद में 8 नंबर ही मतलब ठीक है वो सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन दो नंबर का बढ़िया कैच जॉर्ज फिलिपे ए दिल्ली पे ओके अच्छा कैच है विकेट मिल गई। RCB ने आखिर ये फॉर्मर ये भाई इसका नाम क्या था एक मिनट ये आया था तो मैंने कुछ पढ़ा लच्छन ओके लचलन है लचलन है सॉरी हाँ अब लगा ना बैट लचलन लसन क्या कर रहे हो भाई तुम अरे यार लीव कर दे नहीं एज लगा दे सॉरी लीव क्यों करता है नाइस बॉल भाई अरे भाई स्टंप्स को छू के गई क्या दूर थी अरे कट कर भाई लग जाती है आज मेरी तो इनसाइड लग के बोल्ड होता बाद में कैच भी हो जाता ऐसा नसीब है इनका नसीब लेकिन अलग है अरे वाह सीमो के बाहर चली अंदर चली जाती भाई फ्लिक करता है चौका मारता है हम इधर कट करता है अरे भाई नाइस लीव यार अरे यार अबे लगा यार एज एक और लीव ओके अपना फर्स्ट बॉल 4 ओवर 16 रन 1 मेडन 1 विकेट 4 की इकोनॉमी बहुत अच्छे ब्रो अबे पीटर नेविल क्या बात है पीटर भी है और WWE वाला नेविल भी है ठीक है चले पहली बॉल डालते हैं एक बैकफुट पंच ड्राइव करो पीटर नेविल पार्ट से कीपर पे कैच ठीक है करो अरे नूब किया भाई पंच ड्राइव ऐसी नहीं लगी आउट कौन है क्या ये अबे यार बहुत क्लोज लग रहा है मेरे को ये ओके बाहर 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 जा रहा था करियर बाहर जा रहा था ओके पता नहीं भाई कोई सेशन खत्म हुआ है 183 पे 6 ही है बस वही मेरी लास्ट बॉल थी स्पेल की ओ भाई बहुत सही ट्रॉशुश आए हैं सामने और इधर है पीटर नेविल है नेविल भाई क्या भाई WWE में ऐसा तुम ऐसा तार जैसी एंट्रेंस करते थे हैं क्या भाई और नाम में है आगे पीटर पीटर तो एज लगाता है ले यार एज से डिफेंस भाई है कुर आउट अरे यार फिर से आउट स्विंग भाई ऐसा होता है कैच अबे शॉर्ट लेग हेलो आउट नहीं था क्या ये अबे बम बॉल भाई क्या नूब है क्या नूब है भाई ये कैसे बम बॉल था मेरे को लगा क्लीन कैच है अबे जूते पे लगी अंधी है हाँ जूते पे लगी है
तुम्हारा एनिमेशन सब में सेम है भाई, तो जूते पे लगी जमीन पे टच भी नहीं हुई, देख लो तुम खुद देख लो, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है ये रहा, ये देखो ये रहा पॉइंट ऑफ इंपैक्ट भाई, आधी जमीन आधी जूत भाई, जूता भी इनविजिबल, क्या लहसुन है। एज और इनसाइड एज लगा के पीटर भैया की विकेट, नेविल हो गया आउट, मतलब पीटर नेविल ठीक है, दोनों नाम के अलग मतलब है, मतलब एक WWE वाला और एक पीटर, तो बहुत अच्छे इनसाइड एज, क्या आर करो ड्राइव है नीतीश राणा स्ट्रेटेजी थी, बट अभी तो राइट ही थे तो ओवर द विकेट ही, अच्छी विकेट भाई, लैम हैचर फैच करके बोल, मतलब बोलता फैच करके आजा बॉल, छक्का मार दे बेटे, एक और बार, एक और सिक्स, क्या चौका है, एक और शॉट, एक और सिक्स या चौका, चौका चौका, क्या हुआ अब करना उधर फ्लिक है, लिक्की के अब ऑफ साइड मारने लग गया भाई, सिक्स मार दिया, आउट नहीं, रन आउट कर, अबे शॉट लग यार, देखो भाई कुछ ना मिले कमेंट करने को तो AI OP कर देना, इतना दिमाग बे यार, नो बॉल भी डल गए, इनसाइड एज का चौका भी नसीब लेस इन 200, आउट ना, क्या है यार बहुत ज्यादा बाहर है, अबे ये देखो नीचे 7.3 दिखा रहा है और इधर 57.2 दिखा रहा है, क्या लहसुन है भाई, क्या लहसुन है, अरे यार एज लग जाओ, कैच इट इजी, फील्डर लगाया था एग्जैक्ट और बहुत अच्छा, क्या है अंधी ने क्या किया है, फोर्टी टू नंबर पे वारंट जान दो यार, अब तो खाओ मार, टिट्टी के फील्डर है तुम्हारे, वहां भी लगाऊं क्या अब, हाँ क्या किसी ने कमेंट किया जो स्पीड से तू रन मारता है उससे खा रहा है, ओ सॉरी भाई, तूफान की मौज हो गई, वो आउट हो गया भाई जो भी था, हैं हैचर फैचर नूपचर, अबे तू आउट हो जा डॉर से, अच्छा चलो इसको नीतीश राणा याद दिलाते हैं, भाई ये भी ड्राइव कर रहा है, मैं ये भी कट कर रहा हूँ, ओ भाई क्या मस्त स्विंग हुई है, क्या लीव किया है भाई, वन सेकेंड बैटिंग आ चुके, 10 मैच 1527 रन, 84 की एवरेज, 123 के स्ट्राइक रेट, 650 और सेंचुरी देख लो, IS देख लो, हर बार पड़ता है और दोनों का कॉन्फिडेंस हरा है, मैच अभी फंसा है, ये कितने में आउट हुए भाई, हैं 189 की अभी हम लोग लीड ले चुके हैं, ये 229 पे आउट हो गए, बहुत अच्छे 170 का डिफरेंस हुआ ना, हाँ जो भी चलो ठीक है, तो 170 प्लस 19 अभी जो बने 189 हो गया भाई, उसके जैसे खेलूंगा हैचर जैसा, गुस्सा तो मेरे को ऐसा आ रहा है, इनको ही बोलो गो फैच ब्रो, हैचर तू ही है क्या बॉलिंग में, चल आजा बेटे, पेल दिया बदले की आग, फ्लिक देखो ये तुम, हैचर से बदला भाई, कोपलैंड तू भी नहीं बचेगा अब ठीक है, हैचर को बोलो क्या किया उसने, याद रखियो कोपलैंड ठीक है, ये बॉलिंग तो बिल्कुल ना छूट रही, ओ बच गया बच गया बच गया बच गया, मैं बोला अभी बहुत जल्द पारी खत्म, टीम का स्कोर नहीं देखूंगा मैं, मत देखो तुम भी, गोइंग फॉर इट एंड वन बाउंस बाउंड्री ठीक है, चलो दो रन कम है इस पे, तो अच्छा शॉट था ये, और वैसे डे टू ही चल रहा है, मैं इतना तेज क्यों खेल रहा हूँ, ये हैचर का गुस्सा निकल रहा है और कुछ नहीं यार, थोड़ा चिल कर लिया जाए क्या, ये बॉल कैसे छोड़ेगा अब मैं, शॉर्ट कवर अंदर रख के हाफ वॉली मुंह के एकदम पास, मारो छक्का, मार दिया भाई, हैचर आ गया सामने, हैचर गो फैच, हैचर गो फैच जा, पिच गया करिए, बस यही इतना तेज खेलना है यही दिक्कत है, अबे क्यों यार अब टीम फंस गई ना, मैंने देखा नहीं था एक विकेट गिरी थी सामने यार, अभी नहीं खेलना था मुझे, बैनक्रॉफ्ट पे भरोसा था, वो पहले आउट हो गया था, 11 बॉल में 32 भाई, बदले की आग में करियर ना बदल जाए, अच्छा बैनक्रॉफ्ट अभी भी है ओके, कुछ हो सकता है, जाओ मार्श भाई जाओ, ओ भाई स्टिल आर टीम स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स एंड डैनियल ह्यूज बैटिंग करेंगे, 10 में 41 विकेट, अपने पिछले इनिंग में 3 विकेट ली, कितनी ली, 2 या 3 ली, 2 तो मेरे को याद है, अपन फील्ड लगा लेते लगी हुई थी, यस देखो डे 3, ओ भाई डे 3 भी खत्म होने लगा, अच्छा है मैं थोड़ा तेज खेल रहा था ठीक है, अब मुझे सही लग रहा है, 350 अपनी टीम ने बनाया, 501 की भाई, 501 रन और चाहिए, मतलब 522 का टारगेट दिया अपनी टीम ने, ये तो ड्रॉ के लिए जा रहे हैं मेरे ख्याल से यार, अब कैसे करेंगे, रुक जाओ थोड़ी अलग टाइप की बोलेंगे, एक बाउंसर डाल के देखता हूँ पहले क्या करता है, मैं देख भाई वैसे न्यू बॉल है यार, छोड़ो नहीं डाल रहा मैं, अपने नॉर्मली करते हैं पिछले इनिंग जैसे, रुक जा, अरे भाई क्या लीव की है
पहली बॉल में दिखाई नहीं शायद, मैं डिफेंस किया था, मैं उसमें चुप था, मैं बोला छोड़ो, ऐसे डिफेंस किया था यही बॉल को, बिलीव कर रही। हाँ बस इस टाइप का ही कुछ था, देखो एज और विकेट भाई, कीपर ओपी कर दो, ये भी बहुत अच्छा कैच था, इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल कर दिया, नंबर दो ओपी। ये देखो भाई कितनी मस्त फुल बॉल थी, एकदम जूसी हाफ वॉली, हल्की सी सीम हुई बाहर, एज लगी और मिल गई विकेट, डैनियल ह्यूज गॉन। भाई क्या ही स्ट्रेट ड्राइव मारी है, चौका है तो क्लियर, या थोड़ी स्लो हो गई है, स्टिल तीन रन तो आ ही जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोरिंग शॉट था ये चौका। पहला स्पेल सिर्फ दो ओवर का, एक मेडन एक विकेट और चार रन भाई, दो की इकोनॉमी बहुत सही। 66 पे दो हो चुके हैं ये, यहाँ से मैच तो बहुत मुश्किल है इनके लिए, बस बचा लिया तो बड़ी बात है, 522 का टारगेट है जो बहुत ज़्यादा है यार भाई। FPS ड्रॉप रिटर्न्स, एज लग के भी कुछ ना हुआ, बहुत अच्छे भाई, इतना अंधेरा क्यों हो गया, और एक ओवर का स्पेल डाला था 3.1 और फिर से एक बॉल एक्स्ट्रा डाल चुके हैं, इतना अंधेरा, ये कौन सा है, डे फोर शुरू हो चुका है भाई, फुल्ली ओवरकास्ट और 136 पे चार हो चुके हैं। अच्छा है मैंने उस टाइम बोलिंग नहीं की है ज़्यादा, वैसे ही FPS ड्रॉप का सीन अभी भी हो रहा है क्या भाई, पता नहीं क्या है भाई ये गेम में। चलो ठीक है, एक बढ़िया से गुड लेंथ डिलीवरी और लीव करता है भाई, इसमें तो मुझे ही नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या दिखेगा, मतलब बैट्समैन को बोल रहा हूँ। वाह पटाख से ऑल आउट ही कर दिया, बहुत अच्छे, मार्कस स्टोइनिस मैन ऑफ द मैच है एंड आर टीम वन बाय 297 रन्स अंडर माय कैप्टनसी भाई। अपना परफॉर्मेंस तुम देख सकते हो, 50 और 49 बॉल्स बहुत अच्छे थे, और फिर हमने ली थी दो विकेट 9 ओवर में 55 रन देके, वो भी बहुत मार पड़ी इसके लिए, बट ठीक है कोई नहीं, तीन मेडन भी डाली थी, ठीक है दो विकेट ओके। फिर हमने बैटिंग की, उसमें हमने 30 ऑफ विरान मारे एकदम तेज, वरना शायद मैच ड्रॉ हो जाता भाई, और 79 एस्टन टर्नर के भाई टर्न कर दिया, हैचर को तो फैच करवाया था, इधर मेरा करियर भी फायदे में हो गया, लेकिन ठीक है मैंने उसको मारा बहुत था, 300 की स्ट्राइक रेट से उसने ही मारा था उससे ज़्यादा, चलो ठीक है जाने दो। और फिर हमने बॉलिंग में वापस ली एक विकेट, लेकिन 4.1 ओवर ही बॉलिंग की हमने, दो मेडन और 6 रन एक विकेट, सही था ये भी, तीन विकेट और अराउंड कितने 82-83 रन जो भी है, बहुत सही था, बाहर देखते हैं क्या है, जस्ट बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग बढ़ा दो। हाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फिनिश द मार्श शेफील्ड शील्ड, मार्श शेफील्ड शील्ड है सही है भाई, इन सेकंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, मार्शफील्ड शील्ड नॉकआउट्स अगेंस्ट बुल्स, ओ भाई नॉकआउट्स आ रहे हैं सीधा भाई, कैलेंडर ये रहे नॉकआउट, ये क्या है, ये टेस्ट मैच ही है ना ये, मतलब फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें आगे का दिन नहीं दिखा रहा, देख रहे हो तुम, सही है यार सही है भाई, नहीं दिखा रहा देखो, सही है भाई, ये क्या टेस्ट मैच ही लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप मज़ा आया होगा, काफ़ी मतलब डिसेंट एपिसोड था, मज़ा आ गया मेरे को तो खेल के, तुमको भी मज़ा आया होगा, चलो बाय बाय, बता देना बाकी कमेंट में, और थोड़ा बहुत पूछा तो उसे भी बताना, जिम किया, रन मारे 80, 3 विकेट ली, बढ़िया एकदम होलसम एपिसोड, चलो बाय।